Welcome to the last episode of the season one. We have worked very hard through these 10 episodes to serve you with only one thing in our mind: simplify and share. And in this last episode, which is the khichdi mix special, hum jitna bhi fridge mein bacha kucha khana hai dhabe pe, chahe wo Chinese hai, Indian hai, Thai hai, Punjabi hai, sabko mix karke aapko naya tadka laga ke serve karne wale hain. एक दिन पुराना खाना स्वाद लगता है ना, दैट्स द कॉन्सेप्ट. चाहे वो बादशाह के गाने हैं, चाहे गुरु रंधावा के पंजाबी सुपर हिट्स हैं, चाहे वो आमिर खान है, चाहे रणबीर कपूर है, चाहे वो सनी लियोनी है, वो सब आपको परोसने वाले हैं और खूब सारे वर्ड्स कराने वाले हैं, और इस तरह से कराएंगे कि आप कभी नहीं भूलने वाले. और ये एपिसोड पर्टिकुलरली मेरे अजीज इसलिए है मुझे, बिकॉज मेरी 3 साल की बेटी आर्या अपनी डेब्यू परफॉर्मेंस इसमें कर रही है. लेट्स लुक एट द मेन्यू फर्स्ट टुडे. सो आज के खिचड़ी स्पेशल मेन्यू में हम आपको सर्व कर रहे हैं 15 व्यंजन. And they are quotidian, mercenary, espouse, apposite, leitmotif, conjecture, rambling, dilemma, green-eyed, and the other 6 are hedonism, quandary, eschew, jaundiced, avarice, and epicurean. In 15 में से आपको कितने आते हैं एक बार देखिए. अगर नहीं आते, नॉट एन इश्यू एट ऑल. यू आर एट द ढाबा एंड दिस इज द लास्ट एपिसोड ऑफ सीजन 1. विल मेक श्योर विल डू अवर एक्स्ट्रा 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 बिट टू एंश्योर दैट दे बिकम अ पार्ट ऑफ यू फॉर एवर. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन. चाबो तो दूध का काम मेरा जोश का, ना मुझको कोई टोके ना किसी ने टोके. एक बार फिर से आर्या विल सिंग हरसेल्फ. चार बोतल दूध का काम मेरा उसका, ना मुझको कोई दोनों मच्छर काट गए. अच्छा कोई बात नहीं, स्टॉप द वीडियो बिकॉज मच्छर काट गए. दैट वाज आर्या, माय 3-year-old डॉटर. शी टर्न्स 3 दिस जुलाई 19th. और अगर दो मच्छर नहीं आते तो हनी सिंह के इस गाने के लिरिक्स परमानेंटली म्यूटेट हो जाते. 4 बॉटल वोडका की जगह 4 बॉटल दूध का हो जाता. और ये कहते हैं 4 बॉटल वोट का काम मेरा रोज का. द वर्ड फॉर काम मेरा रोज का इज कोटिडियन, समथिंग विच हैपन्स डेली रेगुलरली. जो मुंबई में लोग रहते हैं वो सुबह उठते हैं, मेट्रो में बैठते हैं, काम पे जाते हैं, वापस मेट्रो में आते हैं, घर पहुंचते हैं, और ये 5-6 दिन हफ्ते के चलता रहता है. एंड द वर्ड विच डिस्क्राइब्स दिस इज कोटिडियन. एंड यूजिंग दिस वर्ड इन अ सेंटेंस, टेकिंग द डॉग ऑन अ वॉक इज अ कोटिडियन इवेंट फॉर द एल्डरली कपल. I hope you got this word right. Let's move to the next one. क्यों पैसा पैसा करती है तू, पैसे पे क्यों मारती है, क्या होता है पैसे का, पैसे की लगा दूं ढेरी, मैं बारिश कर दूं पैसे की जो तू हो जाए मेरी, मैं बारिश कर दूं पैसे की जो तू हो जाए मेरी. सो इस गाने को सबसे बेहतरीन डिस्क्राइब करने के लिए शब्द है मर्सिनरी. एंड एज एन एडजेक्टिव मर्सिनरी मीन्स इंटरेस्टेड ओनली इन द मनी दैट वन गेट्स फ्रॉम द सिचुएशन. जो पैसा 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 करते रहते हैं, सिर्फ पैसे में इंटरेस्टेड होते हैं, उसे हम कहते हैं मर्सिनरी. एंड मर्सिनरी ऑल्सो दैट सेकेंड मीनिंग फॉर द वर्ड मर्सिनरी, इट मीन्स अ प्रोफेशनल सोल्जर हु इज हायर्ड टू सर्व इन अ फॉरन आर्मी एंड ही गेट्स पेड फॉर दैट असाइनमेंट. एंड हियर इट इज यूज्ड एज अ नाउन, राइट. So two meanings of mercenary. The first one is avarice or avaricious, the synonym of mercenary, paisa, paisa, paisa. And the second one is a soldier who's hired with money to work for some other country. As an adjective, the usage of this is she has some mercenary plan to marry that rich old fellow. I do not trust his motives. He's too mercenary. Kyun paisa paisa karti hai? He actually says the word karti, not karti. So mercenary. I hope you got this right. Let's move for the next one. मधुबन में जो कन्हैया किसी गोपी से मिले, कभी मुस्काए कभी छेड़े कभी बात करे, राधा कैसे न जले, राधा कैसे न जले, आग तन मन में लगे, राधा कैसे न जले, राधा कैसे न जले.
ये राधा कम पर यशोदा ज्यादा लग रही थी. द वर्ड इज ग्रीन आइड. राधा कैसे ना ग्रीन आइड हो, राधा कैसे ना जले. इट एज एन एडजेक्टिव ग्रीन आइड मीन्स ऑनवियस और जेलस. एंड अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिनोनिम ऑफ दिस इज जॉन्डिस्ट. एंड जॉन्डिस्ट इट ऑल्सो मीन्स बिटरनेस, रिजेंटमेंट और जेलसी, यू नो. So, using this word, sometimes all of us get a little green-eyed and bitter, and that's okay. Sometimes, not every time. But you need to conquer these demons, you know. Let's move to the next one. Oh, you're going to love this word, and I promise, agle 30 seconds mein ye word aapki elementary canal mein permanently fasa dunga. And the word is eschew. As a verb, it means to avoid something, to abstain from. You know, how do you use it? The CM has appealed to the crowd to eschew violence. He's avoid something. और याद रखने का जुगाड़ तरीके तीन तरीके. Number one, जब chewing gum का टेस्ट खत्म हो जाए तो उसे eschew कर दो. Chew. जब chewing gum का टेस्ट खत्म हो जाए तो उसे eschew कर दो. Second one, जब कोरोना के टाइम पे कोई करे achoo तो उस बंदे को कर दो eschew. You know, people who chew brains are usually eschewed. So, अगर इन तीन जुगाड़ कीज के बाद भी आपको eschew अगर आप भूलते हो तो फिर आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए. देन तारे जमीन पर एवरी चाइल्ड इज स्पेशल. आपका कुछ नहीं हो सकता, कोई भी कुछ नहीं कर सकता. बट आई एम रियली होपिंग यू गॉट द eschew राइट फॉरएवर. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. मटर गस्ती खुली सड़क में, तगड़ी तड़क भड़क में, ओले गिरे सुलगते से सड़क में, छतरी न थी बगल में, आया ही ना अकल में, कि भागे हम या भीगे हम अकड़ में, तो सोचा फिर गीला हुआ है जो सुखाना हो, चाहे जनाना या मर्दाना हो. अटेंशन फेंका नया पासा, फिर दे गई झांसा, ए वे मुझे फांसा, चिरकुट जिंदगी, यू नो. व्हाट अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल मूवी इट वाज. द मूवी तमाशा. देयर आर टू काइंड्स ऑफ पीपल इन दिस वर्ल्ड. द फर्स्ट काइंड्स ऑफ द पीपल हु लव दिस मूवी, एंड द सेकंड कैटेगरी ऑफ पीपल हु डिड नॉट लाइक दिस मूवी. एंड आई एम इन द फर्स्ट कैटेगरी. एनीवे, कमिंग टू द वोकैबुलरी, द वर्ड वी डूइंग इज मटर गस्ती खुली सड़क पे. नाउ मटर गस्ती के लिए शब्द है रैम्बलिंग. And rambling is a noun. It means the activity of walking in the countryside for pleasure. What a perfect fit with the song, yeah? Right? And the second meaning of matargasti, of rambling is, it concerns to writing of speech. It means lengthy and confused or inconsequential. Very rambling writing. Matlab ekdam tha wali nahi, matlab bari ghuma phir aake confusing, inconsequential. But rambling khuli sadak pe. And as a usage, it means he joined the rambling club of his college. No one is interested in his rambling 2 hour plus speeches. So I hope you got this word right. As a homework, I'm giving you something to do. You need to differentiate well between the two words amble and ramble. So amble versus ramble, get the finer nuance right. And let's move to the next one. Sun, suna, adi kya khandala, kya karu? आगे मैं खंडाला, अरे घूमेंगे फिरेंगे नाचेंगे गाएंगे ऐश करेंगे और क्या. The word here is hedonism, and it means a pursuit of pleasure, sensual self indulgence. You know, घूमेंगे फिरेंगे नाचेंगे गाएंगे ऐश करेंगे और क्या. This is hedonism. Perfect fit and description of the word hedonism. ऐश करेंगे और क्या. Sensual self indulgence में जो बहुत हो उसे हम hedonistic कहते हैं. The hedonistic person is committed to seeking sensual pleasure. The type of guy you might find in parties, parlors, pubs, massage, you know, centers, stuff like that, you know. So, TV hypes lives of unending hedonistic delight. And a very, very important synonym of hedonism is Epicurean. I hope you got this right. Ek pahadi gana hai humare Himachal mein. Khana, peena, anand lena. You know, that is hedonism. Anyway. Barzat ka season hai khandala, jaake kya karna? Barzat ke season mein hi to maja hai meri maina.
भीगूंगी मैं, सर्दी खांसी हो जाएगी मुझको, छाता लेके जाएंगे पागल समझी क्या मुझको, क्या करूं समझ में आए ना, क्या करूं तुझसे मैं जानू ना। अरे इतना तू क्यों सोचे, मैं आगे तू पीछे, बस अब निकलते हैं और क्या क्या क्या। एनीवेज दिस इज द लास्ट एपिसोड, सो आई एम जस्ट happy because we've really worked hard for you, serving you with all our hearts. So the word here is hedonism. It means the pursuit of pleasure, sensual self-indulgence, and the synonym is Epicurean. I hope you got this right forever. Let's move to the next one. Ho 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 ho! Ho 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 ho! Ho 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 ho! इश्क तेरा तड़पावे, तारे गिन गिन याच तेरी मैं ता जगा राता नू, रोक न पावा अखियां विच गम दियां बरसाता नू। हो 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 इश्क तेरा तड़पावे। सो हम हिंदी मीडियम मूवी से दो शब्द करने वाले हैं, इंपॉर्टेंट वाले, और द वंडरफुली टैलेंटेड एक्टर इरफान खान जी, ही लेफ्ट अस सम टाइम बैक. A small dedication from my side, two words through his movies and songs. The word, first one is leitmotif. Leitmotif. Leitmotif means a dominant theme or underlying pattern. For example, you see, is gaane mein hum dono kya kar rahe the? Ho 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 ho. Ye ho 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 is gaane mein 40-50% ek underlying theme or pattern hai. Bina matlab se ho 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 karte rehte hain. So ek pattern, ek theme jo ki underlying hai, repetitive theme hai. Another way to look at the word is a leitmotif in a book or a film or in a person's life is an idea or an object which occurs again and again, like ho 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 ho. Yeah, her love for Krishna is the leitmotif of Meera's life. Agar aap Meera ji ki zindagi dekhen to Krishna ke liye jo unka prem tha, that was the leitmotif, right? So I hope you got this word right. Leitmotif, very very important word. Let's move to the next one. Pani tu lagdi Punjaban, lagdi Patola, lagdi tu sareyan to vakhri, tenu sut sut karda, tenu sut sut karda, tenu sut sut karda. So Hindi mediums ko carry on karte hain. Guru Randhawa ne ye gana gaya tha, tenu sut sut karda. मतलब तेनु सूट, बिल्कुल सूट जो है वो बिल्कुल अपोजिट है आपके लिए, बिल्कुल सूट करता है आपको, जो सूट जो आपने पहना है बहुत अपोजिट है. एप्ट इन रिलेशन टू समथिंग एज एन एडजेक्टिव इट मींस द कॉन्ट्रैक्टर सबमिटेड एन अपोजिट कोटेशन फॉर द टेंडर. एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट सिनोनिम फॉर दिस इज पर्टिनेंट, बिल्कुल रेलिवेंट. आई होप यू गॉट दिस वन राइट. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. अलग दी लहार दिया जिस हिसाब ना हंस दिया, अलग दी पंजाब दिया जिस हिसाब न तक दिया, कुड़ी दा पता करो केड़े पिंड दिया केड़े शहर दिया. So the word perfect description for this song is conjecture. You know, he's just conjecturing. कि लग दी लाहौर दिया जिस हिसाब, लग दी पंजाब दिया. And Guru Randhawa here, he's conjecturing. Conjecture क्या होता है? As a noun, as a verb, there are two ways to look at the word. As a noun, it means an opinion or a conclusion formed on the basis of incomplete information. So, कहते हैं जिस हिसाब से हंसती है वो लाहौर की लगती है, जिस हिसाब से तुरती है वो पंजाब की लगती है. So, an opinion or conclusion formed on the basis of incomplete information. What a perfect fit into the word conjecture. The song is, you know. So, I hope you got this word right. Let's move to the next one. Yeah, espouse. एक बहुत महत्वपूर्ण word है. आप regularly अपने reading में पाते होंगे इस word को, देखते होंगे. And it means as a verb, it means to support a cause, a belief or a way of life. And I'll use it in a sentence so that you get it permanently right. Gandhiji, he espoused truth and non-violence throughout his life. Espouse means he was a champion of it. He supported it, you know. And jugaad ki ke baad aap kabhi nahi bhulenge. Hame apne spouse ko espouse karna chahiye. As both of us, Ritika and I, we've been doing, you know. She's supporting me, I'm supporting her. So, hum apne spouse ko espouse kar rahe hain. Let's move to the last one and I'm loving it. The last one comes now. Roz roz hum sochta yahi कि आज हमको वो अगर मिल जाए कहीं, तो ऐसा बोलेगा साला वैसा बोलेगा, खुल्लम खुल्ला उस पे दिल का राज हम खोलेगा,
वो सामने चमकती है, सांस ही अटकती है और ये जबान जाती है फिसल। तो क्या करें क्या ना करें, ये कैसी मुश्किल है, कोई तो बता दे इसका हल ओ मेरे भाई। क्या करें क्या ना करें, ये कैसी क्वांड्री है, कैसी मुश्किल है, दुविधा, इन दोनों में से क्या करें, कि उसको पूछ लें या ना पूछें, वो मना कर देगी, अनसर्टेनिटी, ओ व्हाट टू डू, ही इज इन अ क्वांड्री। WHO and everyone is in a state of dilemma. The synonym of quandary, bilkul, almost 90% same synonym, is dilemma. Dilemma. No, it is not dil, it's dilemma. It's not dilemma, it is dilemma. WHO and everyone is in a state of dilemma about what exactly to do about the corona. Matlab quandary, main duvidha mein hu ki ye kare ya wo kare, aisa kare waisa kare. Hota na hum zindagi mein us mode pe kya aa jaate hain ki ye kare ya wo kare, wahan pe aap इस शब्द को यूज कर सकते हैं, आई एम इन अ क्वांड्री और आई वाज इन अ डिलेमा। आई रियली होप यू गॉट बोथ द वर्ड्स राइट, सो लेट्स चेक आउट इफ यू कुड लर्न ऑल द 15 वर्ड्स और नॉट। द फर्स्ट वन वाज कोटिडियन, मर्सिनरी, एस्पाउज, अपोजिट, लेट मोटिव, कंजेक्चर। कितने आते हैं छह में से भाई? छह के छह ना, आई रियली होप। रैम्बलिंग, डिलेमा, ग्रीन आइड, हीडोनिज्म, कॉन्ड्री, एस्च्यू, जो कोरोना में करे आछू उसको कर दो एस्च्यू, जॉन्डिस, राधा कैसे ना जॉन्डिस्ट हो, ग्रीन आइड हो, एवरेस, क्यों पैसा पैसा, एनीवेज, एपिक्यूरियन, यू नो, ऐश करेंगे और क्या, एपिक्यूरियन। थैंक यू वेरी मच फॉर सीइंग अस थ्रू दिस 10 एपिसोड्स ऑफ सीजन 1। वी हैव वर्क्ड एक्सट्रीमली हार्ड to serve you with all our might and capacity and heart as well. Season 1 comes to an end, but Season 2 is coming soon after a small break. And in this break, we are not going to take rest. We are going to work very hard to serve you with more motivation minus the boring gyan content, the content that actually works. So make sure you subscribe to our channel to receive the updates regularly. God bless you. Stay rising, stay shining. Hasta la vista, baby.